लेट अस डिस्कस केस नंबर टू. इन दिस केस हमने लिया है 3 बीकर में सेम कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बनाया अलग से. इसका वॉल्यूम है 300 ml. इस वाले बीकर में भी सेम कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है और वही ग्लूकॉन डी का ही सोल्यूशन है तीनों में 700 ml. और यहाँ पर 1 लीटर है, 2 mol/L ही सेम कॉन्सेंट्रेशन का 1 लीटर. अब इन तीनों को हमने एक डिफरेंट बीकर में मिक्स किया. तो मिक्स करने पर फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 300 700, ये हो गया 1 लीटर, 1000 ml मतलब 1 लीटर, और ये 1 लीटर था तो 2 लीटर टोटल सोल्यूशन हो गया. अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मिक्स करने के बाद कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा. तो यहाँ मैं बात करूंगा टेस्ट की. तो ये जो सोल्यूशन का टेस्ट है, इसका टेस्ट है, इसका टेस्ट है, और ये जो कलर है, जो इंटेंसिटी है कलर की, ऑरेंज कलर की, वो इसमें भी सेम रहेगी क्योंकि ये सब सेम कॉन्सेंट्रेशन के है. सेम कॉन्सेंट्रेशन को मिक्स करने पर कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहती है और उसका टेस्ट जो है, अगर वो टेस्ट से हम पता करना चाहें तो उसका टेस्ट भी वैसा ही रहेगा और कलर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, फाइनल कलर भी सेम ही रहेगा. तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 2 mol/L ही रहेगा. तो अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स इसका अलग होगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू अलग होगी, इसमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू अलग होगी, इसमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू अलग होगी. कितनी होगी कैलकुलेट करते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स इन बीकर वन, पहले मैं बीकर थर्ड की बात करूं, ये फोर्थ नंबर का बीकर जो है इसकी बात करूं, तो बीकर फोर्थ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बीकर फोर्थ का कॉन्सेंट्रेशन जो है इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना, कॉन्सेंट्रेशन पता है नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फोर, बीकर नंबर फोर में वॉल्यूम पता है हमें लीटर में, तो N4 हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितना है और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, और कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, कॉन्सेंट्रेशन भी हमें पता है 2 mol/L है, तो 2 = N4/2 और N4 = 2 × 2 = 4, 4 मोल्स टोटल है. मैं बात करूंगा बीकर नंबर वन की. बीकर नंबर वन में नंबर ऑफ मोल्स मैं कैसे फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो बीकर नंबर वन में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बीकर नंबर वन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन बीकर नंबर वन, जो कि ml में गिवन है. तो ml में गिवन है तो यहाँ पे हमें 1000 लगाना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, जो कि ml में गिवन है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो कॉन्सेंट्रेशन हमारा 2 ही है इसमें भी, इंटू वॉल्यूम जो है 300 ml है डिवाइडेड बाई 1000. तो यहाँ पर N1 की वैल्यू हमें आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये कटेगा 3/5 mol, ठीक है. अब बात करेंगे बीकर नंबर 2. बीकर नंबर 2 में क्या है, बीकर नंबर 2 में कितने मोल्स हैं. तो बीकर नंबर 2 में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू वही नंबर ऑफ मोल्स इन बीकर नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में गिवन है, इनटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ml में डिवाइडेड बाय 1000, इक्वल टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन इज टू 2, एंड वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पर 700 ml है और 1000 से डिवाइड किया मैंने, तो फाइनल वैल्यू N2 की वैल्यू हमारे पास आई 7/5. तो हम फाइंड आउट करेंगे कि जब बीकर नंबर फोर्थ में गया, इस तरह से बीकर नंबर थर्ड में हम फाइंड आउट कर लेंगे, बीकर थर्ड में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं. तो बीकर नंबर थर्ड की बात करेंगे, तो बीकर नंबर थर्ड में 2 mol/L कॉन्सेंट्रेशन है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बीकर नंबर थर्ड वॉल्यूम, ये लीटर में गिवन है, बीकर नंबर थर्ड का वॉल्यूम लीटर में रखेंगे यहाँ पर,
तो N3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर इक्वल टू 2 मोल्स। बीकर नंबर थर्ड में नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब तीनों को मिक्स किया गया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, तो इक्वल टू हो जाएगा एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री, चूंकि एन फोर की वैल्यू मैच करना चाहिए, तो एन वन की वैल्यू है 3/5, एन टू की वैल्यू है 7/5 एंड इसकी वैल्यू है 2। तो 7 प्लस ये देखो नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है तो सब ऐड हो जाएगा 10/5 यानी 2, ये 10/5 आएगा इन दोनों का एडिशन प्लस 2, ये 2 आएगा 2+2 इक्वल टू 4 मोल्स, 4 मोल्स। और टोटल वॉल्यूम कितना आएगा अगर हम तीनों की देखें तो टोटल वॉल्यूम की बात करें तो बीकर नंबर 1 में था 300 ml था, बीकर नंबर 2 में कितना था 700 ml था, बीकर नंबर 3 में कितना था 1 लीटर था मतलब 1000 ml था, टोटल कितना आ जाएगा 2000 ml which is equal to 2 लीटर, तो 4 मोल्स इन 2 लीटर। तो 1 लीटर में कितना होगा, मतलब 2 मोल्स इन 1 लीटर, और इसी भी बोलते हैं 2 मोल पर लीटर, और यही होती है मोलैरिटी, इसी को लिख देंगे 2m। तो कंक्लूजन क्या निकला, इस केस में कंक्लूजन क्या निकला कि when we add different volume of same concentration solution final concentration of this solution will also be same, but total number of moles and total volume increases